यहाँ कोई रिक्शा नजर नहीं आ रहा। मैं कैब करवा लेती हूँ। हाँ ये ठीक है, कैब करवा लो। जो कुछ जल्दी दो, अम्मी पानी पिए प्लीज, रोना बंद कर देना। रोने से क्या होगा, क्या फायदा है। अम्मी अरिबा बिल्कुल ठीक कह रही है, थोड़ा सा पानी पी लें। आप इतनी परेशान होंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे होने तो मेरी तबीयत खराब, मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करके पाई पाई जमा करके अपनी बहन के लिए पैसे भेजे थे मुझे, सब लूट के ले गए। अल्लाह पूछे गारत करे उन लोगों को। भाभी मुझे लगता है आप दोनों को ना रिक्शा उसी वक्त कर लेना चाहिए था, उन स्नैचर्स ने आप दोनों को देखा होगा शॉप से निकलते ही। अरिबा सब कुछ इतना जल्दी और इतना अफरा तफरी में हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसके हाथ में पिस्टल देखकर मैं तो घबरा गई, मेरे हवास गुम हो गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं अम्मी को संभालूं या खुद को। हाय अल्लाह, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल, मेरी बच्ची का नया सोने का लॉकेट, सब कुछ ले गए, सब कुछ ले गए। और ये नकली अंगूठियां छोड़ गए और असली सब कुछ ले गए। अल्लाह ताला गारत करे उनको। शाजिया एक काम करते हैं, चल पुलिस स्टेशन चल, अल्लाह का शुक्र है कि आप दोनों ठीक हैं। इससे ज्यादा और क्या अच्छी चीज है, चीजें आती जाती है और ले लेंगे ना। पी लें अब, थोड़ा सा पानी पी लें। हाँ ये ठीक है, बस ये डॉक्यूमेंट्स मुझे स्कैन करके ईमेल कर दो, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने सोचा स्क्रीन करने से पहले ये एक मर्तबा तुम्हें दिखा दूँ। सब ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं है। वैसे तो सब ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में मैनेजर के साइन नहीं है, वो करवा दो। अच्छा ठीक है, मैं साइन करवा लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम मामू। वालेकुम सलाम सारिम बेटा, तुम यहाँ? जी वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सारिम बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें ऑफिस आना पड़ गया? मामू वो मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूँ हर हाल। सारिम तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बाबा से बात करने की, तुमने फिर भी कर ली। तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुमने कभी खुद तो मामू से बात की नहीं, तो मजबूरन मुझे बात करनी पड़ी। कर ली बात, मिल गया रिजल्ट, मान गए वो। सारिम तुम क्यों मुझे बाबा के सामने शर्मिंदा करने पर तुले? उन्हें तो यही लग रहा होगा ना कि मैंने तुम्हें भेजा है, इस सब में मेरी भी ख्वाहिश है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो?
अनमोल, मैंने मामू से ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने नहीं कहा, मगर वो सोच रहे होंगे कि शायद तुम्हें मैं भेजती हूँ उनसे बात करने के लिए। सारे तुमने बाबा के सामने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। I'm sorry अनमोल, लेकिन मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था। जानबूझकर की गई गलती के बाद कोई सॉरी नहीं होता। सालिम, तुम हमेशा मेरे साथ यही करते हो। तुम्हारे इस फ्री नेचर की वजह से ना मेरा करेक्टर लोगों की नजरों में मशकूक हो गया। और अब क्या चाहते हो तुम? क्या लेकर आया? ये तू पहनेगा? ये ले। अबे नकली है भाई। मेरी तो यही रिकवरी थी, मोबाइल तो बस एक ही हाथ लगा, बाकी सारा कैश है। मेरे नहीं है अभी पैसे, ये दो वॉलेट हैं। हां गिन लेता हूँ। गिन गिन। और ये मेरी मेहनत के मोबाइल हैं। हां और कुछ खास लगा नहीं, बस एक ही जुड़ी लगी थी हाथ में। ओए ये किसका है भाई? ये कौन लेकर आया है? क्या है ये क्या है? कंगनों की जेब में मारते हो क्या? कुछ भी नहीं है उसमें। है तो अबे शाने अबे तेरी। हाँ ठीक है, चल 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 जाएगा, चल जाएगा। ये कितना? तकरीबन ये 60,000 है। सही है। ये क्या उठा लाया? किसी लिखारी का कलम ले आया क्या? ये जुड़ली है। पैसे तुम लोग बांट लो। अरे ठीक है शानी भाई, पैसे हम लोग आधे आधे बांट लेते हैं। चेन तो तुम ही रखोगे, बहुत जो ठहरे। सबसे महंगी चीज तो तुम ही रखोगे। ये मोबाइलों का करना शानी भाई? मोबाइल बेच के पैसे आपस में बांट लेंगे बराबर, हमेशा की तरह। ठीक है शानी भाई, भरोसा करें तुम पे। साले पहले कौन से तेरे हक खाए हैं मैंने? डंडिया मारता हूँ क्या मैं? पुलिस से भी मैं बचाता हूँ तुम लोगों को। जिस दिन पकड़े गए ना तुम लोग वारदात कर, My God, अब वो ही बचाने आएंगे तुम्हें। हाँ चलता हूँ। गुड बाय, जावा।